हम दमदमासी से भोगपुर से आएंगे। तो ये आज आपने ताला क्यों लगाया? ताला तो इसलिए नहीं लगाया, 3 मिनट से पानी नहीं आ रहा, अगले फोन नहीं उठाता, पब्लिक मर रहे, जाइए अब 3 घंटे में नहीं आ रही है। पिंजौर के वार्ड नंबर 13 में पड़ने वाले गांव भोगपुर दमदमा रोड के करीब एक दर्जन महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को लेकर रोष व्यक्त करते हुए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कार्यालय रतपुर कॉलोनी में ताला जड़ दिया। इसके साथ ही जैसे ही एसडीओ और जेई कार्यालय में पहुंचे तो उन्हें बाहर से कुंडी लगाकर 15 मिनट तक उनके कार्यालय में बंद रखा। इस मौके पर सुमित्रा धैया, जैस्मिन, शकुंतला देवी, नीलम, कृष्णा देवी, परमजीत कौर, कुसुम, सतिंदर कौर आदि ने बताया कि बीते 3 महीनों से वह पीने के पानी की समस्या का सामना कर रही हैं और जब समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो आज रोष स्वरूप उन्हें यह करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब समस्या के समाधान के लिए हम अधिकारियों को फोन करते हैं तो ना तो अधिकारी फोन उठाते हैं और ना ही पानी छोड़ते हैं, और यदि पानी आता भी है तो गंदा आता है जो पीने के लायक नहीं होता। हमें तीसरे दिन पैसे देकर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है या साथ लगते सत्संग घर से पीने, कपड़े धोने आदि के लिए पानी लाना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि जब वे अपनी समस्या के समाधान के लिए कार्यालय में पहुंची तो ना तो वहां पर एसडीओ था और ना ही जेई था। वहीं जब एसडीओ और जेई कार्यालय में पहुंचे तो उन्होंने महिलाओं से बात किए बिना ही वे अपने कमरों में चले गए, जिसको लेकर महिलाओं ने बाहर से उनके कमरे की भी कुंडी लगा दी। करीब 15 मिनट तक महिलाओं ने उनके कमरे की कुंडी ना तो खोली और ना ही किसी और को खोलने दी। उसके बाद एसडीओ ने महिलाओं को भीतर बुलाकर समस्या हल का आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाएं अपने घर चली गई। महिलाओं ने बताया कि जब अधिकारी समस्या हल नहीं कर सकते या कार्यालय में नहीं मिलते तो इन्हें क्यों रखा गया है। करीब 1.5 घंटे के बाद एसडीओ की महिलाओं के साथ समस्या के हल को लेकर सहमति और आश्वासन के बाद मौके से महिलाएं चली गई। वहीं इस संदर्भ में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एसडीओ अमर सिंह ने बताया कि हमारे ट्यूबवेल, मोटर सब ठीक है, परंतु बिजली की समस्या आ रही है, बार बार कट लग रहे हैं, जिसके चलते उन्हें यह समस्या झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को सुबह 3 बजे से बिजली नहीं थी, अभी बिजली आने के बाद पानी छोड़ दिया गया है। सर 3 महीने हो गए हमारे यहाँ पानी नहीं आता, 5 मिनट आता है, एक बूंद भी लोगों ने पानी पी के हम दुखी हो गए। इसको फोन करते तो फोन नहीं उठाता। अगर आपको हमारे कहीं देखना है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, हमारा फोन देख लो कितनी बार फोन करते हैं इस बार हमें पानी। आज हमारे बिल्कुल टैंकर गिरवा के 500 को मोल तो मिल रहा है, लेकिन फ्री नहीं मिल रहा पानी। एक पानी हमारे एक मूल है हमारा समस्या। कहाँ से आए आप? हम दमदमासी से भोगपुर से आएंगे। तो ये आज आपने ताला क्यों लगाया? ताला तो इसलिए नहीं लगाया, 3 मिनट से पानी नहीं आ रहा, अगले फोन नहीं उठाता, पब्लिक मर रहे, जाइए अब 3 घंटे में नहीं आ रही है। पानी वालों को फोन करे, पानी वाले नहीं उठाते, पानी छोड़ते हैं, 5 मिनट छोड़ेंगे किसी कभी कभी आते हैं, बिल भी भर रहे हैं। गाँव में पूरा दिन पानी कितने घंटे पानी। तो अभी आपने किसी अधिकारी को फोन किया? किसी से नहीं करे, उसी से कर रहे और नहीं फोन उठा रहा जी, हमारा ना हमारा कुछ कर रहा है, हमने आपको करा फोन, अब आपसे हम उम्मीद रखते हैं। मेरा नाम सुमित्रा जी। कहाँ से आप? मैं दमदमा रोड पे। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत है जी हमारा, कम 3 महीने से तो पानी की बूंद नहीं आनी है। सब पब्लिक अपना मोल जो अगर लेना ना, टैंकर लेना, तो वो उन्हीं टूलों से भर के लोगों के घर जाता है, हम लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। आप अगर यकीन नहीं है तो रोड पे खड़े हो जाना, आपके टैंकर कितने पहुंचेंगे वहाँ पे? 500 रुपए का टैंकर होता है और वो उसमें तो पानी जा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग एक अछूत है, पता नहीं क्या चीज है, हमारे को नहीं पता। पानी है वहाँ पे बहुत ज्यादा है, टैंकर पैसों के तो है, क्योंकि पता नहीं जेई साहब ने कोई सेटिंग कर रखी है, किसने कर रखी है हमें नहीं पता। इतना पानी जाता है, आप जाके देख लो रोड पे, पानी टैंकर ही टैंकर पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। दो ही चीजों की होती है, रोटी पानी, और 3 चीजों कपड़े की और पानी की होती है, वो ही हमारे को सुविधा नहीं मिल रही, तो शायद हमारी जिंदगी बेकार है। फिर जेई की नौकरी क्यों, जब हमें ये मिल रही नौकरी क्यों इसकी, इसको हटा दो जी, हम चले जाएंगे, हम बैठे हैं आज। तो आपने अभी एसडीओ साहब और जेई साहब को अंदर बंद कर दिया था? बिल्कुल बंद करा दिया, हम बंद हैं, हमारे जेब हमारे सांस बंद हो जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे तो सांस बंद है, पानी नहीं हमारे पास, पानी पीने के लिए हमारे पास नहीं है, गंदा पानी पीने मजबूर हम, तो अब इसको क्या करेंगे फिर।
किसी की नौकरी। हाँ बात जब जाएंगे जब ये सस्पेंड हो लेंगे, जब कोई भी ला लेते आज हम बैठे आज, अब पूरी हम साल हो गए था होते हुए, अब अंत हो चुके हैं। पर नहीं तो मैं एक आगे गोली खा लूंगी कि ले जी पानी से जाओ। जोड़ कर इसको बोल कर गए थे। कहाँ से आप? वहीं से। तो क्या पहले भी आपने इनको कहा था? पहले भी आए थे। पहले भी आए। क्या कहते थे? ये कहते पानी चेक करके आया, फिर पानी नहीं आता। दो दिन आएगा फिर आप? दो दिन आता है फिर पानी। पानी वाले वैसे करते हैं, क्यों तनख्वाह दे रहे उनको? एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन छोड़ते हैं। दस मिनट पानी आता है, दस मिनट में क्या होता जी? कच्चे सब्जियां कटा अरे वो भी नहीं आता है? वो भी हम टैंकर करवा रहे तीसरे दिन, 500 रुपए का मूल्य का पानी पी रहे। बहुत बड़ा, मेरा नाम जैस्मीन है। हमारा इतना बड़ा एरिया है, भोगपुर हो गया, दमदमा हो गया, दो गांव इकट्ठे हैं जिसको एक ट्यूबवेल से पानी भेजते हैं ये, ठीक है? सारे एरियो में पानी आता है, नालियों में ऐसे पानी रुड़ता है। बस एक हमारी वाली जो लाइन है ना, उनसे पता नहीं क्या खुंदक है इनको, क्या नहीं है, पानी देते ही नहीं। कंप्लेन करो तो ये फोन उठाते नहीं जी सर, बिल्कुल फोन नहीं उठाते। और दूसरे लड़के को वहाँ फोन कर देंगे, वो 5 मिनट पानी खोलेगा, बंद कर देगा। और वैसे आप जाके देखोगे ना उस रोड पे पानी ऐसे नालियों में जा रहा है, पर हमारे लिए पानी नहीं है वहाँ पर देने के लिए। हम या तो टैंकर मंगाए, या पीछे भी लाइट नहीं थी, जब बारिश का टाइम था लाइटें ही नहीं थी, पानी सारा बंद था। टैंकर आए हैं फ्री गांव में, गांव वालों के लिए, इधर सालों के लिए, पर इस लाइन के लिए जो हमारी लाइन है कोई टैंकर नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने खुद अपना पर्सनल मंगा के पानी भरा है, हमारे लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने। और अभी भी जब फोन करते हैं या कंप्लेन करते हैं तो दमदमे वाला गांव का लड़का है वो उधर लगा देंगे, उसकी ड्यूटी कर देंगे, इधर भोकर वाले को उठा के उधर कर देंगे। वो यही करते रहते हैं ना, वो बंदा हटाते हैं ना ये हटाते हैं, ना ढंग से पानी देते हैं टाइम से का। तो कंप्लेन करो, इनका यही काम है। तो आपने क्या कुंडी लगाई अपने? जब सुनते नहीं, एक घंटे से खड़े हैं, डेढ़ घंटा हो गया, अब आए हैं जाकर, ये अब फोन करा हुआ हमें, अब जाके आए हैं इतनी देर से। हम क्या घर से वेले थोड़ी हैं जो हम खड़े हैं यहाँ पे? आपको काम है तो हमें भी काम है। प्रेस को रिपोर्ट दे दीजिए, जाके तो आए नहीं, क्या करें? मजबूरी में करा हमने, हमें कौन सा शौक है यहाँ आने का, क्या करें जब सुनते ही नहीं। तो आप एसडीओ साहब पे किया, जेई साहब क्या आपको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने श्योरिटी दी है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कहते फिर हमें जो आप कहेंगे सजा देंगे हम ले लेंगे, बाकी अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आप जाओ आराम से घर अपने, पानी आ जाएगा कल से ठीक टाइम में। और हमने चेंज करने के लिए बोला है उनको, अगर वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे चेंज। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर आपने कुछ बोला? वो कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप जहाँ मर्जी कंप्लेन कर देना, हमारी हमने मंजूर होगा। तो आपने उनका कुंडी कितनी देर तक लगा के रखी? घंटा, एक घंटे तक। हमने आराम से बात करके आ गए उनके साथ में, हम जा रहे हैं घर, देखते हैं फिर क्या आगे क्या निकलता है। सर यह सर जैसे पानी की समस्या के लिए आए थे काफी दिन से, 3 महीने से हमारी काफी प्रॉब्लम थी, हम इनके पास फोन करते थे नहीं उठाते थे, लेकिन आज हम आए हैं। इन्होंने अपना वो आश्वासन दिया कि हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, और उसका हमने भी थोड़ी चेतावनी दी, और आगे हम भी फिर नहीं छोड़ते हैं। तो पब्लिक के लिए हमारे बने हुए लगे हुए हैं, जब पब्लिक ही परेशान है तो शायद हमें गुस्सा ही आएगा। तो पानी के लिए कब से बोले इनको आपको? सर हम तो 3 महीने से बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी इन्होंने कहा जी ठीक से पानी देंगे और ठीक से आपका वो कब से ये, कल से सही हो जाएगी? कल से सप्लाई सही होगी, कल से ठीक होगी। और जो गलत पानी आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, उसको भी बदल देंगे, सप्लाई दूसरी देंगे, क्योंकि बीमारी का घर दे रहे हैं, पानी दे रहे थे। ये जो जोड़ जाड़ का जो पीछे कर रखे उसमें से हम नहीं लेंगे। मेन तो देखो कारण है बिजली की, मान ली सप्लाई मान ली आती नहीं कंटिन्यू ना जी, कटेज इतने हैं बिजली के बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मान ली 11-12 जोन बने हुए हैं भोजपुर में जहाँ से इनका सप्लाई आती है। तो वहाँ मान ली 1 घंटे भी कहीं लाइट डिस्टर्ब होगी तब भी देखो ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, और कोई समस्या नहीं। वहाँ ट्यूबवेल हमारा ओके है, मोटर बिल्कुल ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बिजली के कारण समस्या आती है जब भी आती है। तो अभी क्या आश्वासन दिया? अभी इनका पानी छोड़ दिया जी, अभी लाइट आई है, सुबह 3 बजे से लाइट नहीं थी, इस कारण दिक्कत आई है। इनको 10 बजे पानी देते हैं, उनको पानी मिला नहीं आज इनको, तो इसलिए ऑफिस में आ गई है। महिलाओं का आरोप है कि जेई साहब का बिहेवियर थोड़ा सही नहीं है उनके प्रति, कॉल नहीं उठाते वगैरह वगैरह। कोई नहीं, वो समझा दिया जेई साहब को भी, अब आगे दिक्कत नहीं आई। तो महिलाओं ने सुनने में आया कि तकरीबन 1.5-2 घंटे तक ताला भी लगाया, कुंडियाँ भी लगा के रखी ऑफिस में। नहीं मैं तो अभी साइड पर गया हुआ था, अभी आया हूँ मैं जस्ट, तो मान ली उनका सुनिए समस्या तो उन्होंने बोल दिया। तो कुछ देर आप अंदर थे और इन्होंने बाहर से आपके कमरे की कार्यालय की भी कुंडी लगाई हुई थी? हाँ वो इसी कारण लगाई हुई थी ना, जेई साहब हमारा फोन नहीं उठाते, वही इसी नाराज थे जेई साहब से, वो हो गया समाधान, अब दिक्कत नहीं आई है।